दमन में आज दमन दीव का 60वां मुक्ति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर दमन जिला समाहर्ता डॉक्टर राकेश मिन्हास ने ध्वज वंदन कर दमन दीव के विकास कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने करोड़ों रुपयों की लागत से हुए कार्यों एवं विविध जन कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला। समाहर्ता ने स्वतंत्रता सेनानियों से मुलाकात भी की। वहीं नव चयनित नगर पालिका और जिला पंचायत के सदस्यों और सरपंचों को भी शुभकामनाएं दी। आज हमारा दमन अपना 60वां मुक्ति दिवस मना रहा है। इस पावन अवसर पर आप सभी को मेरी ओर से अनेक शुभकामनाएं और बधाई। साथियों, आज का दिन उन महानायकों को याद करने का दिन है जिन्होंने इस प्रदेश की मुक्ति के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़कर साथ में अपना अमूल्य योगदान दिया है। पिछले 6 दशकों में दमन ने खूब विकास किया है। दमन की मुक्ति के बाद प्रदेश में उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए विक्री कर की छूट दी गई थी। इसके परिणाम स्वरूप दमन में अप्रत्याशित तरीके से उद्योग स्थापित होने लगे। विभिन्न औद्योगिक गतिविधियां तेजी से बढ़ने लगी। दमन एक औद्योगिक नगरी के रूप में सामने आने लगा। इसको देखकर देश भर से बहुत से भाई बहन, श्रमिक भाई बहन और बाकी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग रोजगार की तलाश में यहाँ पर आने लगे। दमन में एक कॉम्पोजिट कल्चर की शुरुआत होने लगी और दमन को एक मिनी इंडिया के रूप में दमन का रूप सामने आने लगा जो आज हम सबको दिखता है। एक दमन एक ऐसा जिला है जहाँ पे भारत के हर राज्य से, हर कोने से कोई ना कोई यहाँ पे आके बसता है, यहाँ पे रोजगार पाता है। दमन की और हमारे देश की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए अपना योगदान देता है। और ये कहते हुए बहुत खुशी होती है कि आज यहाँ पे विभिन्न भाषा भाषी लोग पूर्ण सामाजिकता से, सामूहिकता से, सहभागिता से, समरसता से और एक दूसरे के सहयोग के साथ हंसी खुशी रहते हैं। दमन का सर्वाधिक विकास तब शुरू हुआ जब यहाँ के सांस्कृतिक उपक्रमों का पुनरुद्धार हुआ और विशेषकर तब जब दमन के पर्यटक स्थलों का विकास और सौंदर्यकरण होने लगा। इसकी क्रांतिकारी शुरुआत हमारे माननीय प्रशासक श्री प्रफुल्ल पटेल जी ने करी। पिछले 4 सालों में दमन में हमने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, स्वच्छ सर्वेक्षण पोषण अभियान, स्वच्छ सुंदर शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना, ई गवर्नेंस, डिजिटल पेमेंट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं में बेहतरीन कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर टोटल 48 पुरस्कार जीते हैं। 180 करोड़ रुपए की लागत से समुद्र के किनारों का विकास किया गया है। 114 करोड़ की लागत से 15 इंटीग्रेटेड स्कूल कैंपस का निर्माण किया जा रहा है। 90 करोड़ रुपए की लागत से जो जयपुर सी फ्रंट रोड तैयार की गई है और जो आज के टाइम में एक बहुत ही मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन के सामने आया है, वो सब हमारे सामने है। 76 करोड़ रुपए की लागत से विविध मार्गों का नवीनीकरण, सृष्टिकरण और सौंदर्यकरण का कार्य चल रहा है। 46 करोड़ रुपए की लागत से वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का पूर्ण विकास किया गया है। 21 करोड़ रुपए की लागत से दमन में सीवेज लाइन तथा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है। 18 करोड़ रुपए की लागत से मोटी दमन तथा नानी दमन में आधुनिक सब्जी मार्केट, फिश मार्केट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। 15 करोड़ रुपए की लागत से मोटी दमन में चिल्ड्रन मेमोरियल गार्डन का निर्माण बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। 13 करोड़ रुपए की लागत से नानी दमन में मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया जा चुका है। 12 करोड़ रुपए की खर्च से बांदोदकर स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का पूर्ण विकास हो रहा है और 3 करोड़ रुपए की लागत से एकता उद्यान का जो
पूर्ण विकास किया गया है और जो एक वो एक पर्यटक स्थल बन के सामने आया है वो सब हम लोग देखते ही हैं और उसमें हम लोग वहाँ जाकर भी उसका सौंदर्य को महसूस करते हैं। हमने नानी दमन में 14 करोड़ रुपए की लागत से देश का पहला वैक्यूम टेक्नोलॉजी से आधारित आधुनिक सीवेज लाइन पर योजना आरंभ की है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में पहली बार पाइपलाइन के जरिए गैस का वितरण का काम शुरू हो गया है और नानी दमन में अनेक जगहों पर पाइपलाइन के द्वारा गैस को घर घर में पहुंचाया जा रहा है। दोस्तों, पर्यटन इस प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यटकों और यहाँ के नागरिकों को आगमन की बेहतरीन और आरामदायक सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दमन और दीव के बीच में हेलीकॉप्टर सेवा प्रतिदिन चलती है। मुझे आप सबको ये बताते हुए भी बेहद खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत पूरे प्रदेश में जो कुल 11,000 घरों का निर्माण किया जाना था उसमें से 4,000 के करीब घर का निर्माण ऑलरेडी किया जा चुका है और बाकियों का काम बहुत तेजी से चल रहा है। उच्च एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बिना समाज की समुचित विकास की परिपालना नहीं की जा सकती है, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन ने कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। 190 करोड़ रुपए की लागत से नमो मेडिकल कॉलेज का के विकास का काम किया जा रहा है। इस मेडिकल कॉलेज का पहला सेशन ऑलरेडी चल रहा है। ये मेडिकल कॉलेज हमारे संघ प्रदेश के जितने भी बच्चे हैं उनको अपने घर के पास ही MBBS की पढ़ाई करने में बहुत काम में ऑलरेडी आ रहा है। उनको दूर जाने के लिए जो पहले 3-4 सीट हुआ करती थी और दूर जाकर किसी अन्य राज्य में हमारे बच्चों को MBBS की पढ़ाई करनी पड़ती थी उस पर विराम लगा है। जब हमारे पास ही 177 सीटों वाला मेडिकल कॉलेज हमारे संघ प्रदेश में अब उपलब्ध है। उच्च शिक्षा की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रशासन ने 19 करोड़ रुपए की लागत से नर्सिंग कॉलेज तथा मारवाड़ में नए नर्सिंग कॉलेज बिल्डिंग का छात्रावास भवन का निर्माण भी चल रहा है। इसके अलावा 47 करोड़ रुपए की लागत से 180 विद्यार्थियों की क्षमता वाला इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना भी वरकुंड में की जा रही है। साथियों, आज तकरीबन 9 महीने से ऊपर हो गए हैं कि पूरा विश्व एक भयंकर महामारी कोरोना से लड़ रहा है। स्वास्थ्य संगठन WHO तथा हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस महामारी से लड़ने के लिए जितने भी मार्गदर्शी कदम उठाए हैं समस्त देशवासी उनका पालन कर रहे हैं और हमारा दमन भी इसमें पीछे नहीं है। जन भागीदारी से और आप सबके सहयोग से मैं ये बताते हुए बहुत खुशी है कि हमारा रिकवरी रेट बहुत बेहतर है और वर्तमान में पिछले तकरीबन 1-1.5 महीने से कोरोना के मामले दमन में तकरीबन थम से गए हैं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके लिए जो लड़ाई में हमारे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, स्वास्थ्य अधिकारी, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा बहनें, रेवेन्यू विभाग का स्टाफ, पुलिस कर्मी, नगरपालिका के विभिन्न काम करने वाले लोग, ग्राम पंचायत के हमारे सदस्य प्रतिनिधि और ग्राम पंचायत में काम करने वाले भाई और बहन, उनका हार्दिक आभार मैं प्रकट करता हूँ। इस महामारी पर हमारा रिकवरी रेट अच्छा होना और इस महामारी को कंट्रोल में रखने में इन सभी विभागों का और आप सबकी भागीदारी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है और मैं आगे भी आशा करता हूँ कि हम सारी प्रिकॉशंस जो बताई गई हैं
कोई भी उसमें हम लोग ढील नहीं बरतेंगे ताकि दोबारा इस महामारी का प्रकोप हमारे संघ प्रदेश पर ना फैल सके। अभी दो ही दिन पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री माननीय श्री नित्यानंद राय जी द्वारा लाइट हाउस के पास टेंट सिटी की का उद्घाटन किया गया है। ये अनिवार्य है कि जितनी नई चीज़ें दमन में आ रही हैं उससे और ज़्यादा टूरिस्ट और ज़्यादा पर्यटक दमन ज़िले में आएंगे और ये हम सब लोग देख भी रहे हैं। ये सब जितने टूरिस्ट दमन ज़िले में आ रहे हैं उनका हम सब तहे दिल से स्वागत करते हैं और ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की बनती है कि दमन हमारा है और दमन को सुरक्षित साफ सुथरा रखना और दमन में लॉ एंड ऑर्डर जो इतना अच्छा बना हुआ है उसको इन पर्यटकों के आने के बावजूद बनाए रखना हर दमनवासी का एक कर्तव्य है। तो मैं ये आशा कर चलता हूँ कि हम सभी लोग ये ख्याल रखेंगे कि जितने भी पर्यटक दमन में आते हैं, जो रोज जिनकी संख्या बढ़ रही है, वो बखूबी एक बार दमन आए तो ऐसा उदाहरण वापस लेकर अपने अपने राज्यों में जाएं जिसमें कि दमन का नाम ऊंचा हो, दमन का नाम रोशन हो और वो अपने साथी मित्रों को जाकर बताएं कि दमन में केवल इंफ्रास्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं है, केवल पर्यटक स्थल ही बहुत अच्छे से बने हुए नहीं है, दमन में रहने वाले लोग भी उतने ही अच्छे हैं और उसी दिल से हम सब लोगों का स्वागत करते हैं। अब मैं इस अवसर पर यही मौका यूज करते हुए दमन ग्राम पंचायत और दमन नगर पालिका के जो नए चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने स्थानीय स्वशासन की बात करते हुए आम जनता तक लोकतंत्र को पहुंचाने की वकालत की थी। वे चाहते थे कि ग्राम पंचायत स्तर से उच्च स्तर तक देश की जनता लोकतंत्र का सहभागी बने। चूंकि जनता ने जनतंत्र में सहभागी होते हुए आप सभी लोगों को बहुत ही उम्मीद और विश्वास से निर्वाचित किया है तो यही आप सबकी जिम्मेदारी भी रहेगी और आप सबसे आशा भी और उम्मीद भी यही करते हैं कि आप पूरी सक्रियता से, पारदर्शिता से जिन लोगों ने आपको निर्वाचित किया है उन सबकी समस्याओं को समझेंगे और जल्द से जल्द उन समस्याओं को निपटाने का समाधान हम साथ में काम करते हुए सामने ला सकेंगे। ये अगले 5 साल के लिए जो आप लोगों को इतना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी लोगों ने प्रदान करी है इसके लिए हमें एक भी दिन व्यर्थ नहीं करना चाहिए और इमीडिएटली काम पे लग जाने से साथ मिलकर सभी विभाग प्रशासन के साथ मिलकर अगर काम करें तो जितनी भी समस्याएं दमन के एक नागरिक को हैं, कोई बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं हैं, उनका समाधान निकाला जा सकता है और बहुत ही जल्दी सारी सुविधाएं हर नागरिक तक पहुंचाई जा सकती हैं। ये आज़ादी, ये मुक्ति हमें अनेक बलिदानों, अनेक संघर्षों के बाद हासिल हुई है। इसकी अहमियत को हमें कभी अपने दिल में कम नहीं होने देना चाहिए। अंत में आप सभी को एक बार पुनः मुक्ति दिवस की हार्दिक बधाई और अनेक अनेक शुभकामनाएं।